अनीता बलवीर। अनीता बलवीर किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बनाएंगे मोदक। तो ओरियो बिस्किट से अपन मोदक बनाएंगे, जिसे बनाने के लिए मैंने ओरियो बिस्किट के 4 पैकेट लिए हैं। और सबसे पहले अपन पैकेट को इस पैकेट के बिस्किट निकालेंगे। बिस्किट निकालने के बाद में इसके अंदर जो सफेद क्रीम रहता है ना, वो क्रीम अपन साइड में निकाल के रखेंगे। हमने पूरे क्रीम निकाल चुके हैं, अब इसको तोड़ेंगे, मिक्सर जार में डालेंगे, छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। और ड्राई फ्रूट को भी अपन पीस लेंगे, 7-8 बादाम है और 7-8 काजू है, इसको भी पीस लेंगे अपन। अच्छा महीन पीस लिया है हमने इसे, इसमें है ना बिस्किट के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े नहीं चाहिए हैं, या फिर छान ले अगर आपको लगा कि इसमें बिस्किट के टुकड़े हैं तो इसको छान ले। अब इसमें अपन डालेंगे 2 चम्मच दूध पाउडर। दूध पाउडर नहीं भी डाला तो भी चलता है, और इसे मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, 2-3-4 चम्मच थोड़ा थोड़ा दूध डाल के अच्छा डो तैयार करेंगे अपन इसका। देखिए हमने अच्छा मसल के डो तैयार कर लिया है। और इसको रखेंगे अपन साइड में। ये है क्रीम निकाली बिस्किट से वाली है, और इसमें डालेंगे अपन मोदक के अंदर फिलिंग तैयार करने के लिए। 2 चम्मच कोकोनट पाउडर है ये, और ये ड्राई फ्रूट है काजू बादाम और पिस्ता, इसको भी मिक्स कर लेंगे। वैसे आप शक्कर की आवश्यकता नहीं होती है, बिस्किट का क्रीम मीठा ही होता है बहुत, और अगर पड़ी शक्कर की आवश्यकता है तो सिर्फ इतनी शक्कर डालेंगे 1 चम्मच। इसमें ऐसे घी लगाने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा ऐसे लेंगे। इसको दबा दबा के भर देंगे।
देखिए अपना कितना अच्छा बढ़िया मोदक बनकर रेडी हुआ है। अगर आपके पास ऐसे मोदक बनाने के साँचा नहीं भी रहे तो बिगर बिगर साँचे के भी अपन मोदक बना सकते हैं, ऐसे गोल तैयार करने का और ऐसे ऐसे कटोरी बनाते हुए ऐसे जैसे ऊपर तक थोड़ा सा बड़ा ऐसे कटोरी का, और ये जो नीचे साइड रहती है ना ये थोड़ी सी जाड़ी रखना और ऐसे ऐसे फिराते हुए इसको देखिए हमने ऐसी कटोरी बना दी। ऐसी कटोरी बना लेने का डाल देंगे, अब अपन पूरी डाल देंगे। पूरी यानी जितनी लग रही होती है, अपने पास है भी नहीं ना, पता नहीं होगा। और इसको दबाते हुए ऐसे ऊपर उंगली की सहायता से ऐसे ऊपर ले जाना, बढ़िया अपना मोदक बनके तैयार हुआ। और ऐसी इसको ऐसा आकार देने के लिए, डिजाइन बनाने के लिए इसकी कलियों को, तो ये ऐसा चम्मच होता है ना, उस चम्मच द्वारा उसको यूं ऐसा आकार दे दीजिएगा। देखिए बिगर साँचे का भी अपना कितना प्यारा मोदक बन के रेडी हुआ है। और इसमें अपन डाल देंगे थोड़ा थोड़ा खोबरा किस, बढ़िया चमकीला मोदक तैयार हुआ है अपना। देखिए हमारे ओरियो बिस्किट से मोदक बनके रेडी हो चुके हैं। आपको आज के मोदक बनाने की रेसिपी कैसी लगी है तो मुझे कमेंट द्वारा बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय। देखेंगे अपन अंदर से अपने मोदक कैसे बने। वाह बढ़िया बने।